बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेल्टा पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैडर लॉजिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। डेल्टा पीएलसी के अंदर कितनी डिवाइसेस हैं, प्रोग्रामिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी इनपुट के लिए कौन सा वेरिएबल है या आउटपुट के लिए कितने मेमोरी एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। डेल्टा सॉफ्टवेयर की सिमुलेशन किस तरह से करनी है, ऑनलाइन सिमुलेशन किस तरह से होती है विदाउट यूजिंग पीएलसी, उसकी वीडियोस मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब यहाँ पर जो अवेलेबल डिवाइसेस हैं डेल्टा पीएलसी के अंदर, वो इनपुट्स के लिए एक्स का वेरिएबल यूज़ होता है, आउटपुट के लिए वाई का वेरिएबल यूज़ होता है, और मेमोरी के लिए यहाँ पर एम यूज़ हो रहा है। सिमिलरली जो एस है वो भी आप एज अ मेमोरी एलिमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है वो स्टेप रिले इनपुट है एस, जो कि एस एफ सी यानी इस सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट डायग्राम के अंदर आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें एस जो है वो लेवल्स के लिए यूज़ होता है, वरना आप जो है इसको एज अ मेमोरी एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। टी फॉर टाइमर है। इसी तरह से सी जो है वो काउंटर के लिए है, और डी जो है वो डेटा रजिस्टर के लिए। इसी तरह ई जो है और एफ है ये भी आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। डेटा रजिस्टर जो है वो स्टोर करते हैं काउंटर्स की टाइमर्स की वैल्यूज, उनका स्टेटस अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह से अगर आपने ईडीसी यूज़ करनी है तो जो कन्वर्टेड डेटा होगा वो भी डेटा रजिस्टर्स के अंदर आएगा। सीरियल कम्युनिकेशन आपको करनी है तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी आपको जो है वो जो भी पैरामीटर सेटिंग होगी वो डेटा रजिस्टर्स के अंदर होगी। ये सारी जो एड्रेसिंग है डिटेल्स हैं ये आपको इसके यूज़र इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मिलेगी, जो डेल्टा का अपनी वेबसाइट पर मौजूद है delta.com, वहाँ से सॉफ्टवेयर भी इजीली अवेलेबल है इसका। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी जो है वो आपको फ्री फॉर यूज़ है, सॉरी फ्री टू यूज़ है। अब इनकी रेंज है कि X0 जो है इनपुट, इसकी टोटल रेंज कितनी है, X10 टू X7 यानी X0 से X7 है और X10 टू 17 है। फिर इसी तरह से जो है एडिशनली टोटल जो है वो 377 तक आप इसके इनपुट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। X9 और X10 जो है वो इसमें स्पेसिफिक टास्क के लिए इन्होंने फिक्स किए हुए हैं, जो आपको देखना पड़ेंगे यूज़र मैनुअल के अंदर कि इनका पर्पस क्या है, क्योंकि 8-8 बिट्स की फॉर्म में ही इनपुट्स को भी ये कंसीडर किया जाता है पीएलसी में। जैसे X0 से लेके X7 तक 8 इनपुट हैं टोटल, और इसको 1 बाइट के बराबर समझा जाएगा, बराबर ही होता है। इसी तरह जो आउटपुट है वो भी आपका सेम जो है वो 377 तक Y0 से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो आपके पास बहुत सारी बिल्ट इन मौजूद है, जिसको आप एज अ मेमोरी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, और M0 से लेके M095 यानी 4095, तो टोटल 4096 जो है वो आपके पास मेमोरी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनको आप मेमोरी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेप रिले जो इनपुट है उसकी भी टोटल रेंज बताई हुई है S0 से लेके S1023। तो टोटल 0 से अगर 1023 को आप काउंट करेंगे तो वो टोटल 1024 बनेगा। इसी तरह से टी रिले जो टाइमर है वो आपके पास यहाँ पे वर्ड में टी रिले, अगर आप उसके क्या कहते हैं इसमें टोटल जो टाइमर्स बिल्ट इन है वो T0 से लेके T255 तक आपके पास टोटल टाइमर्स बिल्ट इन है इसमें, और एवरी टाइमर हैज़ इट्स रेजोल्यूशन यूनिट यानी आप उसकी जो सेटिंग्स है 1 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 100 मिली सेकेंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या
कहते हैं जो सी काउंटर है, काउंटर रिले, इसके कॉन्टैक्ट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आप एज उसके कॉन्टैक्ट्स जो है वो मेक ब्रेक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी प्रीसेट वैल्यू जो आपने सेट करी है, कि काउंटिंग डिवाइस जो है C0 से लेकर C255 तक, टोटल 256। तो काउंटिंग इवेंट्स के लिए आप काउंटर्स को यूज़ करेंगे और इसी तरह से टाइमर यूज़ करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे काउंटर्स के अंदर यहाँ पे ऑन ऑफ यानी इंक्रीमेंट काउंटर और डिक्रीमेंट काउंटर भी यहाँ पे बिल्ट इन है, मौजूद है, जिसको आप उसकी जो मेमोरी एलिमेंट्स के थ्रू आप उसकी जो डेटा रजिस्टर्स में वैल्यूज़ मूव कराएंगे तो उसके हिसाब से उसका मोड जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, कि वो इंक्रीमेंट करेगा, डाउन इंक्रीमेंट करेगा, या मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीमेंट करेगा या इंक्रीमेंट करेगा अपवर डायरेक्शन में। अब इसी तरह से यहाँ पे जो टाइमर्स हैं वो वर्ड और डबल वर्ड के दोनों मौजूद हैं रेंज के हिसाब से। वर्ड जो है वो 16 बिट यानी 8 बिट जो है वो 1 बाइट होता है, और 2 बाइट का मतलब है 16 बिट, और 2 बाइट जो है इज इक्वल्स टू 1 वर्ड। डबल वर्ड जो है वो 4 बाइट के बराबर होता है यानी 32 बिट्स होती हैं उसमें। इसी तरह डेटा रजिस्टर्स हैं आपके पास, उसकी रेंज अच्छी खासी मौजूद है यहाँ पे, और इसमें ये वर्ड के बराबर इनके जो साइज़ है वो वर्ड होता है यानी 16 बिट का होता है डेटा रजिस्टर। और इस डेटा रजिस्टर के अंदर आपने जो है वो पैरामीटर्स और ये सारी जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो सब इसमें गिवन है, बिल्ट इन है। इसी तरह से EF है, इंडेक्स रजिस्टर, और वर्ड है, और डिफरेंट जो स्पेसिफिक डिवाइसेस हैं उनका एड्रेस इसमें होता है, और ये जनरल पर्पस मेमोरी एरिया है। इंडेक्स रजिस्टर जो है वो सिंपली जो एड्रेस है सोर्स और डेस्टिनेशन का, उनका ऑफसेट जो है वो स्टोर करता है। इंडेक्स स्टोर ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट का मतलब उनका एड्रेस होता है उसके पास। अब यहाँ से हम अपनी पहली लैडर लॉजिक एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, इस कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के अंदर सिंपली एक डिटेक्शन सिस्टम बनाना है कि अगर बॉटल जो है वो गिर जाती है, क्योंकि बॉटल फिलिंग प्लांट है ये, अगर बॉटल जो है वो गिर जाएगी तो उसमें फिलिंग नहीं करनी है उस पोजीशन पर। और उसकी डिटेक्शन के लिए यहाँ पर उन्होंने दो डिवाइसेस लगाई हुई है, X1 और X0, ये दोनों सेंसर्स हैं। बॉटल जो है इस पोजीशन पर आके अगर गिर जाती है, पीछे से डिटेक्शन हो जाती है, तो बॉटल जो है उसमें फिलिंग नहीं होगी इस पोजीशन पर, और Y0 एक्टिवेट हो जाएगा। और Y0 एक एक्चुएटर है, न्यूमेटिक पुशिंग पोल कह लें आप उसे, या न्यूमेटिक जो है वो आर्म कह लें, वो इस बॉटल को इस क्या कहते हैं इस बॉक्स के अंदर इसको गिरा देगा, और फिर अगली बॉटल को ये डिटेक्ट करेगा कि अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन पर है तो उसमें बॉटल जो Y0 है वो एक्टिवेट ना हो, और बॉटल जो है वो फिल करना शुरू कर दे, चाहे जो भी पानी हो या कोल्ड ड्रिंक्स या कोई जूस। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि इस एग्जांपल के अंदर आपको कहा गया कि दो सेंसर हैं X0 और X1। Y0 जो है वो एक्चुएटर है, Y0 उस वक्त एक्टिवेट हो जब बॉटल नीचे गिर जाए। जब बॉटल स्टैंडिंग पोजीशन पर होगी तो X1 जो है वो क्या कहते हैं डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो उसकी लॉजिक भी जीरो होगी, ठीक है। यानी वो जब डिटेक्ट नहीं करेगा तो नॉर्मल सेंस हमारा ये कहता है कि वो फीडबैक कोई सिग्नल नहीं देगा। X0 पर बॉटल गिरने के बाद भी पोजीशन उसकी हाई रहेगी, यानी X0 पर चाहे बॉटल स्टैंडिंग पोजीशन पर हो या फॉलिंग पोजीशन पर हो, X0 जो है ऑलवेज सिग्नल हाई देगा, ठीक है। अब X1 जो है जब बॉटल गिर जाएगी तो X1 ने हो जाना है जीरो, यानी फिजिकली X1 जो है वो सिग्नल डिटेक्ट नहीं करेगा, मगर हमें इस कंडीशन पर काम करना है, यानी Y0 को हमें उस कंडीशन पर एक्टिवेट करवाना है जिस कंडीशन पर X0 हाई है, यानी X0 आउटर वर्ल्ड, यानी PLC तो इनसाइड वर्ल्ड है, जो X0 आउटर वर्ल्ड है वहाँ पे बॉटल डिटेक्ट कर ली है उसने, ठीक है, चाहे बॉटल खड़ी है या गिरी हुई है, तो X0 इज हाई, तो उसकी लॉजिक भी हाई होगी। हमने काम लेना है X0 हाई पर,
क्योंकि हम जो लैडर लॉजिक प्रोग्राम है वो हम इस तरह से बनाते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच करके दिखाता हूँ आपको कि ये दो वर्टिकल लाइंस होती हैं लैडर की शक्ल में, और यहाँ आप फेस कह लें जो भी है, और दो लाइंस होती हैं, मैं इसको न्यूट्रल कह रहा हूँ समझाने के लिए, या इसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ तक करंट ने ट्रेवल करना होता है जब भी आपकी लॉजिक कंप्लीट होगी प्रोग्राम की। तो दिस इज लॉजिक हाइट। अब आउटर जितने इनपुट्स लगी हुई हैं डिवाइसेस यहाँ पे पीएलसी के बाहर, उनकी लॉजिक हाई हो या लो हो वो एक अलग चीज़ है। प्रोग्राम के अंदर लॉजिक अगर ट्रू होगी इसका मतलब है करंट फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट। तो आपको ये याद रखना है कि एक्स जीरो जो है वो हमने इस तरह से काम करना है कि एक्स जीरो जब तक बॉटल ना आए यानी बॉटल को डिटेक्ट ना करे तो उसकी लॉजिक भी हाई ना हो, इसलिए कि इसके दरमियान में हमें कोशिश ये करनी है कि जब बॉटल यहाँ पर आएगी तो एक्चुएटर ऑपरेट होगा, जब कन्वेयर बेल्ट आगे इसको मूव कर देगी बॉटल को तो इसमें एक ऐसी कंडीशन भी आएगी कि एक्स वन और एक्स जीरो दोनों ही ऑफ होंगे, क्योंकि खाली स्पेस है, खाली स्पेस पर एक्स वन और एक्स जीरो दोनों ऑफ होंगे, और उस वक्त पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है वो भी जीरो होनी चाहिए क्योंकि वाई जीरो का ऑपरेट नहीं करना हमने, खाली पोजीशन पर, और अगर बॉटल खड़ी है स्टैंडिंग पोजीशन पर तब भी ऑपरेट नहीं करना। तो खड़ी पोजीशन पर यानी स्टैंडिंग पोजीशन है तो उस पर एक्स वन और एक्स जीरो दोनों अगर हाई देंगे तो वाई जीरो ऑफ होगा, वाई जीरो ऑन नहीं होगा, तो यानी उस वक्त भी लॉजिक हमें जीरो देखनी है। तो इसमें दो कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर आपको लॉजिक जीरो रखनी है, और एक ही कंडीशन सिंपल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लॉजिक हाई रखनी है वाई जीरो। तो ये हम इस लेक्चर में असल में डिटेल में हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि किस तरह से ये कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग की जाती है, क्या चीज़ें सोची जाती हैं, कि हमने सिर्फ उस कंडीशन को देखना है जिस पर हम आपको आउटपुट चाहिए, आउटपुट एक्टिवेट कराना है। जीरो कंडीशन को आप छोड़ दें, जीरो कंडीशन का मतलब है जब आपने उसको फोकस ही नहीं किया तो वो तो जीरो ही रहेगा। तो मेन हमारे पास कंडीशन यहाँ पर ये है कि जब एक्स जीरो हाई होगा बाहर से, जब वो डिटेक्ट करेगा तो एक्स जीरो हाई होगा, और एक्स वन जो है उस वक्त जीरो होगा, यानी जीरो का मतलब है वो डिटेक्शन नहीं कर रहा, और उस वक्त हमने यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कराना है। तो सिंपली यहाँ पे जो एक्स जीरो है, एक्स जीरो इसको आपने नॉर्मली हाई रखना है, नॉर्मली हाई कॉन्टेक्ट आप उस वक्त यूज करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर कि जब आपने बटन को यानी एक्स जीरो पर जो भी इनपुट चाहे बटन है चाहे सेंसर है जब वो ऑन होगा यानी उस वो हाई होगा, ठीक है, हाई का मतलब है वो वन हो गया यानी ऑपरेट कर दिया है, और उस वक्त आपने इनसाइड द पीएलसी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसका कॉन्टेक्ट है उसकी भी लॉजिक हाई चाहिए, तो आप नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को आप यूज करते हैं, यानी बाहर भी डिटेक्शन हो और अंदर भी उसी वक्त लॉजिक हाई हो जब बाहर डिटेक्शन हो, तो उसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आप उस वक्त यूज करेंगे। इसी तरह से जब आपको इन्वर्टेड काम करना है यानी एक्स वन डिटेक्ट नहीं करेगा बाहर से यानी कोई बॉटल का वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, और इनसाइड द पीएलसी प्रोग्रामिंग लॉजिक आपने हाई करनी है उस वक्त, तो आप नॉर्मली क्लोज है उसको आप यूज करेंगे जब इन्वर्टेड लॉजिक यूज करनी है, यानी कोई बाहर एक्टिविटी नहीं हो रही मगर अंदर लॉजिक हाई करनी है, तो वहां पर आप नॉर्मली क्लोज को यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर फिर बच्चे कंफ्यूज ही होते रहते हैं कि बाहर से अगर उनको सर्किट क्या कहते हैं ड्रॉ करके दे दिया कि ये इनपुट बटन्स हैं, कुछ बटन लगा दिए और एक से हमें जब प्रेस करें तो हाई करना है, एक को जब हम प्रेस करें तो उससे लॉजिक को ब्रेक करना है, उल्टा काम करना है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये काम आएगा जो मैंने आपको बताया है कि एक्स वन इन्वर्टेड लॉजिक हमने उस वक्त इस्तेमाल करी है जब हम आउटसाइड द पीएलसी, जब हम आउटसाइड द पीएलसी ये चाहते हैं कि डिटेक्शन ना हो, और इनसाइड द पीएलसी जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो हाई हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम नॉर्मली क्लोज का बटन यूज करेंगे। अब आप खुद देखें, टेस्ट करके देखें कि यहाँ पे अगर आपने आउटपुट कॉइल कनेक्ट कर दिया वाई जीरो,
और बॉटल जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन पर आ जाती है, तो ये लॉजिक जो है इसकी कंप्लीट जो लॉजिक है वो जीरो रहेगी, वाई जीरो को ऑन नहीं करेगी, इसलिए कि एक्स वन हाई हो जाएगा। एक्स वन का आपने इन्वर्टेड कॉन्टैक्ट यूज़ किया है नॉर्मली क्लोज, तो जब एक्स वन बाहर से अपनी सिग्नल देगा यानी ऑन हो जाएगा, तो ये इन्वर्ट करेगा अपनी स्टेट को, यानी उल्टा यानी चेंज करेगा, तो इसकी लॉजिक इनसाइड द पीएलसी जीरो हो जाएगी, लो हो जाएगी। और एक्स जीरो जब बाहर डिटेक्शन करेगा तो इसकी इनसाइड द पीएलसी लॉजिक है वो हाई हो जाएगी, मगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए वाई जीरो ऑन नहीं होगा। इसी तरह से जब खाली स्पेस आएगा, बॉटल नहीं होगी दरमियान में, तो एक्स वन तो जीरो है और उस वक्त वो लॉजिक हाई करेगा, मगर एक्स जीरो जो है वो नॉर्मली ओपन हमने यूज किया, तो एक्स जीरो जब बाहर से भी कोई डिटेक्शन नहीं करेगा तो जीरो होगा, तो इनसाइड द पीएलसी उसकी लॉजिक जो है वो भी लो होगी। तो इस तरह से जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगी लॉजिक। तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट मैंने बताना था और होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यही लॉजिक इस प्रोग्राम के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो देखा जाए तो ये बहुत आसान सी सिंपल सी लॉजिक है, जिसके अंदर हमने सिर्फ उस कंडीशन को देखा जिस पर वाई जीरो को एक्सेप्ट करना है, और हमने ये लैडर लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सिमिलरली ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, मगर इसके अंदर भी हम वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। इसके अंदर एक प्लाजा या कोई फ्लैट है और रेजिडेंशियल एरिया, आप कुछ भी कंसीडर कर लें, और इसके अंदर यहाँ पे वाई ज़ीरो लगी है। वाई ज़ीरो जो है एक लाइट है, इंडिकेटर है, और इसको दो स्विचेस से ऑपरेट किया जा रहा है कि ऊपर जो डोर नज़र आ रहा है यहाँ पर एक्स वन स्विच लगा है और नीचे बॉटम पर एक्स ज़ीरो लगा है। जब फर्स्ट पर्सन अंदर इंटर करेगा तो वो सिंपली इसकी स्टेट को चेंज करेगा, जो बटन लगा है इसकी स्टेट को वो उसने चेंज करना है, और उसने ये नहीं देखना है कि ऑन है या ऑफ है, उसने सिर्फ ये देखना है कि स्विच की जो भी स्टेट है, लाइट जो है वो ऑफ है, और लाइट को ऑन करने के लिए उसने सिंपली बटन की स्टेट को अपोजिट करना है, चाहे वो वन था तो उसको जीरो करना है, अगर वो जीरो पोजीशन पे था तो वन करना है, और लाइट वो ऑन करके ऊपर आ जाएगा, और जब यहाँ डोर पर पहुंचेगा तो इस स्टेट को सिंपली वो चेंज करेगा और लाइट को ऑफ करके फिर वापस चला जाएगा। अब हो सकता है कि वो पहला वाला जो बंदा है उसने ही वापस जाना है, तो वापस से स्टेट को वो अपोज करेगा वही पुरानी वाली स्टेट, और लाइट ऑन करके नीचे आके फिर उसको ऑफ करके वो चला जाएगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा केस हो गया। अब सिंपल केस में ये है कि पहला बंदा जो ऊपर था वो वहीं पर रेस्ट कर रहा है, दूसरा कोई भी मेहमान, कोई भी मिलने वाला या दूसरा मेंबर घर का वो आता है, और अगेन वो स्टेट को वापस से चेंज करता है, और वो लाइट को ऑन करके ऊपर जाके फिर दोबारा से स्टेट को वो ऑफ करके वापस जाके आराम से बैठ जाता है। तो अब जहाँ भी आपने स्टेट को ऑन करना है, उस स्टेट को आपने जहन में रख के सिंपली स्टार्ट में देखें, जब भी आप लैडर लॉजिक या कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसकी जो भी स्टेप्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप वर्डिंग्स में लिख लेते हैं। जब आप उसको वर्डिंग्स में लिख लेंगे तो उसको बनाना, इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। ये शुरू में प्रैक्टिस करनी होती है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और 500 से ज़्यादा आप प्रोग्राम बना लें तो ज़रा आप अच्छा खासा आप यूज़र बन जाएंगे, तो फिर आपको वो जहन में ही आपके लॉजिक बनना शुरू हो जाएगी, और आप जस्ट सोचेंगे और लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं, देखें कि मैं ये पेन वाला ऑप्शन एक्टिव कर रहा हूँ, और यहाँ पर सबसे पहला जो फर्स्ट केस है उसमें, फर्स्ट केस में फर्स्ट पर्सन जब एंट्री करेगा तो क्या होगा। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और उसकी पोजीशन जो है वो मैंने बना दी है कि उसने आकर देखा ये नंबर वन है और लाइट ऑफ है, तो उसने एक्स जीरो की स्टेट को चेंज करना है। कैसे
कि लेट्स से हम जब भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के बाद हम खुद इस स्टेट्स को कंसीडर करते हैं कि हो सकता है कि अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सेम रखनी है कंडीशन, जैसे एक्स ज़ीरो है, मैं ये चाहता हूँ कि एक्स ज़ीरो और एक्स वन, अभी हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा इनिशियली फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो ये मैं इसको ए स्टेप कह देता हूँ, ए, और यहाँ पर एक्स ज़ीरो भी ज़ीरो था, एक्स वन भी ज़ीरो था, ठीक है। और यहाँ पर जो वाई ज़ीरो है वो होगा ऑफ, ठीक है, और इसको हमने कर दिया ज़ीरो। जब पहला बंदा आएगा और देखेगा कि लाइट ऑफ है, तो उसने क्या करना है, सिंपली इंस्टेड ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स दी स्विच स्टेटस के भाई वो वन है या ज़ीरो है, उसने सिर्फ स्टेट को चेंज करना है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ ट्रांजिशन करेगा एक्स ज़ीरो, अब एक्स ज़ीरो एक्स वन में से कौन सा बटन वो प्रेस कर सकता है, जाहिर सी बात है पहला बंदा है, तो ग्राउंड पर एक्स ज़ीरो को ही वो एक्टिव करेगा। तो इसी स्विच को उसने ट्रांजिशन करनी है, इसको कर देगा वो वन, और सेकंड जो स्विच है वो तो ज़ीरो ही पड़ा रहेगा, यानी ऊपर वाला स्विच, और इस कंडीशन पर जो वाई ज़ीरो है उसने हो जाना है ऑन, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा जहन पर जोर डालें तो आसानी से ये लॉजिक इम्प्लीमेंट हो जाएगी, कि यानी जब भी इनपुट्स का स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा, यानी एक वन होगा एक ज़ीरो होगा, ठीक है, कोई सा भी इनपुट बटन उनमें से एक वन हो जाए और दूसरा ज़ीरो हो जाए, तो उस वक्त लाइट ऑन होनी है, बाकी लाइट ने ऑफ नहीं होना है। तो ये क्विक लॉजिक है, जो कि इस तरह से हम जहन पर थोड़ा सा जोर डालें तो हमें समझ में आ जाएगी। तो सिंपली ये एक्स वन को मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे एक्स वन, और ये सेकंड स्टेप है, हम सारे स्टेप नहीं लिखेंगे, बस इसको वर्बली कम्युनिकेट करेंगे और देखेंगे कि देखें जब वो बंदा ऊपर चला गया और उसने एक्स वन है उसको जाते वक्त जब वो थर्ड स्टेप पर आएगा, यानी हमारे प्रोग्रामिंग का थर्ड स्टेप है, इनिशियल स्टेप में ज़ीरो है, फिर फर्स्ट स्टेप जो था जहाँ से उसने एक्टिविटी स्टार्ट करी उसमें लाइट ऑन कर दी है, और जब वो सी यानी प्रोग्रामिंग का जो सी स्टेप है, जब बंदा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर और उसने डोर ओपन करके अंदर जाना है, तो एक्स वन का जो स्टेटस था अब उसको चेंज करेगा, तो एक्स वन जो है वो ज़ीरो था तो अब वन हो जाएगा, तो जब दोनों वन हो जाएंगे तो भी वाई ज़ीरो जो है वो ऑफ हो जाएगा। सॉरी थोड़ी जो यानी पेंटिंग स्किल्स मेरे इतने अच्छे नहीं है, जो टच पैड है लैपटॉप का उसको यूज़ करके, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, यानी यहाँ पर आपने देखें जो ज़ीरो है वो सेम, जब भी स्विच का स्टेटस आपस में सेम होगा बराबर होगा, यानी एक्स वन जब भी बराबर होगा एक्स ज़ीरो के, तो क्या होगा कि अल्लाह भला करे आपका आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगा, और जैसी स्टेट्स को वो चेंज करेगा तो सिंपली वाई ज़ीरो जो है वो ऑन हो जाए। तो ऐसा कौन सा गेट है जो लॉजिक डिफरेंट हो तो वो उस पर वो हाई कर देता है, ये सुनते ही आपको समझ में आ गया। अब यानी दो डिफरेंट कंडीशंस के लिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि ए और इनटू बी, ठीक है, और जो बी है इसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, बार का मतलब है कि ये इन्वर्टेड लॉजिक है, और इसको हम प्लस कर देते हैं ए बार इनटू बी से, ठीक है, जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वन हो जाएगा। हमने ये जो लॉजिक लिखी है ना वो इस स्टेट को देख के लिखी है जो हमारी प्रोग्रामिंग स्टेट है रिक्वायर्ड, कि जब भी डिफरेंट होंगे ना इनपुट्स तो आउटपुट को वन होना चाहिए। तो देखें ए जो है और बी बार ये दोनों डिफरेंट हैं, अगर ए इंटू बी होता तो वो सेम इनपुट होता, ठीक है, यानी ए और बी जो है दोनों की लॉजिक जब वन होती तभी वो काम करते, ज़ीरो पर वो ज़ीरो हो जाते। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि जब डिफरेंट इनपुट्स यानी कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो,
अब जैसे ए है, ये जो है क्या कहते हैं इसको, आप एक्स जीरो कर लें, एक्स वन ये है, ए जो है एक्स जीरो है, बी बार जो है वो एक्स वन है। अब इसी तरह से स्टेट देखें, यहाँ चेंज हो गई है, एक्स जीरो अब ऑफ हो गया है और एक्स वन जो है वो ऑन हो गया है। तो इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन होगी तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर भी आपको ये दोनों लैडर के अंदर अप्लाई करने होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक रफ सा स्केच करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे एक आप लगा दें नॉर्मली ओपन, यानी जहाँ पे बार नहीं है वहाँ नॉर्मली ओपन लगाना है, और जहाँ पे बार है वहाँ नॉर्मली क्लोज लगाना है, सिंपल इज दैट। ये लगा दिया। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर आप पैरेलल ब्रांचेस भी लगाते हैं, और पैरेलल ब्रांचिंग के थ्रू आप जो है दो, अगर आपने कॉम्बिनेशंस यानी दो डिसीजंस लेनी है और सेम जो है वो आउटपुट को ड्राइव करना है, तो आप पैरेलल ब्रांच को एक्टिव करते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ तक। और इस तरह से आपने Y0 से इसको कनेक्ट कर दिया है, और Y0 जो है वो एक्टिव उस वक्त होगा जब इन दोनों में से कोई सी भी लॉजिक जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है X0 है, दिस इज X0 और दिस इज X1, ठीक है। इसी तरह से X0 ये रहा और X1 ये रहा। अब हम अपनी उस लॉजिक को इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जो हमने अभी तक करी है, कि अगर दोनों इनपुट को हम जीरो कर दें, जीरो का मतलब ये है कि जहां जहां नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है वो भी जीरो होगा, ठीक है। X0 अगर जीरो है, बाहर से भी स्विच जो है वो इसको सिग्नल जीरो दे रहा है, तो ये अंदर भी सिग्नल जीरो देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर X1 भी जीरो है, तो X1 जो है अगर यहाँ पर नॉर्मली ओपन है तो यहाँ पर ये जीरो देगा इनसाइड द PLC, और जहाँ पर क्लोज है तो वहाँ उसकी लॉजिक तो हाई हो जाएगी, मगर पीछे से उसको करंट ही नहीं मिल रहा। जब उसको करंट नहीं मिल रहा तो उसने क्या करना है कि उसने ओवरऑल जो लॉजिक है वो भी जीरो रहेगी उसकी, ठीक है। यानी इस पूरी ब्रांच की जो ओवरऑल लॉजिक है वो जीरो रहेगी, इसी तरह से इस ब्रांच की लॉजिक भी जीरो रहेगी अगर X0 जो है वो जीरो है। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पर, कि X0 जो है वो हमने वन कर दिया। अब X0 जहां जहां लगा है उसका अपना स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा, तो X0 यहाँ पे अपनी लॉजिक हाई करेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट बंदे ने X0 का स्टेट चेंज कर दिए, ठीक है। अब अगर वो जीरो थी तो वो वन हो जाएगी डेफिनेटली, तो यहाँ पे इसकी लॉजिक हाई होगी और यहाँ पे भी लॉजिक हाई होगी। तो Y0 इस केस में ऑन हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें X0, सॉरी मैंने X1 के परस्पेक्टिव में बता दिया है, X0 जो है वो यहाँ पे हाई हो जाएगा जो जब आपने उसको ऑन किया है, और यहाँ पर जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों X0 हैं और X0 अपनी स्टेट को अपोजिट करेंगे जैसी उनकी लॉजिक हाई होगी, बाहर से इनपुट मिलेगा उन्हें, ठीक है। तो X0 बाहर से आपने उसको एक्टिव कर दिया, हाई कर दिया, तो इसीलिए जहां जहां X0 लगाया उसने स्टेट को अपनी चेंज किया, नॉर्मली ओपन को उसने क्लोज किया और क्लोज को उसने ओपन कर दिया, तो यहाँ पे जीरो आएगा और ऊपर वाली लॉजिक जो है वो हाई हो जाएगी। और हाई होने की वजह से ये वाली लॉजिक और ये वाली लॉजिक, क्योंकि X1 अभी जीरो है तो इसकी लॉजिक भी हाई है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज जो है वो इन्वर्टेड काम करता है कि अगर बाहर से लॉजिक जीरो है तो अंदर वन हो जाएगी। तो दोनों लॉजिक हाई होने के बाद करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके Y0 को एक्टिव कर देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है ये इसको इरेज कर देता हूँ, कौन सी ब्रांच को, ये वाली, इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम सिंपली जो है वो यहाँ से पैन को वापस एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। अब बंदा जो है वो इस पोजीशन पर पहुँच गया डोर के पास यहाँ पर, और उसने X1 को अब चेंज करना है, तो अब X1 भी वन हो जाएगा। तो जब X1 भी वन हो जाएगा तो डेफिनेटली आप देखें कि X1 यहाँ पर तो ज़ीरो था,
यहाँ पर जो लॉजिक है ना वो जीरो है और यहाँ पर वन है, और यहाँ पर जब एक्स वन आपने वन कर दिया तो जीरो हो जाएगी लॉजिक, और यहाँ पर हाई हो जाएगी, ठीक है। और हाई होने के बावजूद अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इसकी लॉजिक देखें, इसकी लॉजिक तो हाई है मगर आगे से यहाँ जीरो हो गई है, तो अब वाई जीरो ऑफ हो जाएगा, और नीचे जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट में जीरो है क्योंकि एक्स जीरो भी वन पड़ा हुआ है, तो ये जीरो मिलकर इसके साथ हाई, तो जब जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ओवरऑल जो है वो जीरो हो जाता है, तो वाई जीरो जो है वो आपका इस केस में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि एक्सऑर लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट करी है, ये एक्सऑर लॉजिक है कि अगर डिफरेंट इनपुट्स होते हैं उस पर आपने वन करना है, और डिफरेंट लॉजिक पर आपने वन करना है तो एक्सॉर लॉजिक यूज़ करेंगे, अगर सेम लॉजिक पर आपने यानी सेम इनपुट्स पर आपने कुछ एक्टिविटी करनी है तो आप एक्सॉर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो भी मैंने कुछ बनाया था वो मैं इरेज कर रहा हूँ, और इरेज ऑल। अब सेकंड पोजीशन पे हम जाते हैं, यहाँ पे जो लॉजिक इम्प्लीमेंट करी है वो है एक्सनॉर। एक्सनॉर के अंदर क्या होता है कि दोनों इनपुट जब सेम होंगे तो उस वक्त जो है आउटपुट हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही दोनों का इनपुट जो है वो सेम होगा तो आउटपुट जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी लाइट। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये बनाया जाती है प्रोग्रामिंग लॉजिक, और बहुत आसान है, इसलिए कि जो हार्डवेयर है हार्डवेयर के हिसाब से आपने जो है वो इसको फोकस करना होता है कि हार्डवेयर आपने किस तरह का आउटपुट पे लगाया है, पीएलसी के इनपुट पर लगाया है आउटपुट पर लगाया है, तो उसके हिसाब से आप प्रोग्रामिंग करते हैं।